लगता है, दिल तड़पता है, दिल मचलता है। ऐसा है मन मेरा, जागे है अरमान जल रहा है। चले आपका भाई आता है, मुझे शादी तोड़ने की धमकी देता है। उसके बाद आपके डैड यहाँ आते हैं, मुझे पैसों का लालच देकर खरीदने की कोशिश करते हैं। फिर उसके बाद रोहन के होने वाले ससुर धनराज सेठ नागपुर जाकर मेरे पेरेंट्स को धमकाते हैं, डराते हैं। फिल्म पागल कर दिया तूने का फर्स्ट लुक हाल ही में द रहेजा क्लासिक में संपन्न हुआ। यहाँ फिल्म के सितारे मुग्धा गोडसे, जुबैर खान, कबीर खान, दिशा अंशिका, रमेश गोयल, ध्रुव एवं जॉनी निर्मल, कई बॉलीवुड सितारे सुनील पाल, अलॉन नाइन जी, मलियम जकारिया, म्यान खान, नेहा खान और कई स्टार मौजूद रहे। फिल्म का निर्माण AGMR प्रोडक्शन के बैनर तले हुआ। इसका वर्ल्ड वाइड रिलीज महमूद अली इस अवसर पर विश्व प्रसिद्ध लियोन बैंड के मौजूद सादिया फिया द्वारा लाइव प्रदर्शन उनके बैंड का हुआ। पनिशमेंट के लिए तो ये कहानी में है, एक आदमी ने मर्डर करने का कोशिश किया, बट दैट वाज एन इम्परफेक्ट मर्डर। तो मर्डर कभी परफेक्ट नहीं होता है, ये दो बेसिक आइडिया है। तो मर्डर करोगे, कुछ ना कुछ तुम क्लू छोड़ के ही जाओगे जरूर। ये है ये, और बेइंतहा प्यार, प्यार एक लिमिट तक, प्यार दो तरफा होना चाहिए। ये नहीं क्या मुझे चाहिए ही चाहिए, नहीं मिला तो एसिड मार दूंगा या जला दूंगा, ये कर दूंगा, वो होना नहीं चाहिए। नहीं, सिर्फ नॉट ओनली मुद्दा तो है ही, बाकी जो और कास्ट है, कबीर, जुबेर, बहुत अच्छा काम किया हम लोगों ने। और संदीप दादा की तो बात अलग ही है, वो गाना है, मुद्दा और कबीर के जो गाने हैं बहुत बेहतरीन मेलोडी सॉन्ग है। तुझको बिन देखे जीना लगता है, तू मेरा कौन है क्या लगता है, तेरी चाहत ने मुझको घेरा है, दिल के शीशे में तेरा चेहरा है, तुझको बिन देखे जीना लगता है, तू मेरा कौन है क्या लगता है। बाकी ये इस फिल्म में सारे गाने अच्छे हैं, और भी दो गाने हैं जो कि सारे मैक्सिमम संदीप जी के। सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात है कि वो म्यूज़िक को समझते हैं, म्यूज़िक के बारे में सोचते हैं। फिल्म में म्यूज़िक को उनके बहुत बड़ा एक पार्ट रहता है, और जिस हिसाब से उन्होंने मेलोडी को ज़्यादा मतलब वैल्यू दिया है, तो मैं उसी हिसाब से उनके गाने बनाए हैं। एक चीज बताना चाहता हूँ, म्यूज़िक का शौक मुझे मेरा डैडी से मिला है। उन्होंने हाफ टिकट बनाई थी किशोर कुमार को लेके, उस पर गाना था चीली चीली चिल्ला के, वो मैं रिमिक्स कर रहा हूँ मिका को देखे। क्या म्यूज़िक ऐसी चीज़ है, एक दो अच्छी गाना, लेकिन मैं थोड़ा मेलोडी पे ध्यान देता हूँ, इसलिए मैं गाना गाया। मेरा फास्ट नंबर भी होगा, देर हैज़ टू बी एन एलिमेंट ऑफ मेलोडी, एकदम डायरेक्ट कॉपी मत करो, थोड़ा मेलोडी रहो पूरा। आज जो अभी तक रैप 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 करता है, रैप में जिस साल पैदा हुआ 54 में, किशोर कुमार ने इना मिनाडी का डाई डकाडी का वो रैप था, अब उसका रिमिक्स करने का कोशिश कर रहे हैं, वो ओरिजिनल रैप सॉन्ग है। तो मेलोडी रखो, वो आज भी हम क्यों गुनगुनाते हैं, तब मैं पैदा हुआ था, आज भी हम गुनगुनाते हैं, क्यों मेलोडी। रैप में भी मेलोडी है, ऐसा धाम 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 आवाज़ सॉन्ग।
आपने फर्स्ट लुक देखा ही है, शायद आपको पसंद भी आया रहेगा, प्लीज आप भी आइए. सो वंस आपने फर्स्ट लुक देखा भी है, शायद आपको पसंद आया भी रहेगा. अभी आप ही जब थिएटर में पिक्चर आएगी तब देख लेना और हमें बताइए. मेरा शूटिंग का मौका बहुत शूटिंग के दौरान बहुत मज़ा आया, बहुत फास्ट शूट किया हमने और सारी शूटिंग मुंबई में हुई थी, जो हालांकि बहुत कम होता है. तो अच्छा लगा, सारे नए उम्दा किरदार है. जुबैर इज़ अ वेरी गुड एक्टर, ही इज़ फ्रॉम टीवी, उनका एक अलग ही नज़रिया होता है फिल्म को देखने का. सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, अच्छा मज़ा है. आई थिंक ये ड्रामा फिल्म है, इट्स अ नाइस एंड ड्रामा, ऑनसॉम कास्ट है, सबकी एक अच्छी कहानी है. सो इट्स आई कैन से गुड ड्रामा. नए हो या पुराने हो, फिल्म मेकिंग इज़ फिल्म मेकिंग. वो कोई भी अच्छे स्क्रिप्ट लेके आए और अच्छा काम करे, दैट्स नथिंग टू डू विद न्यू और ओल्ड. और हम सिर्फ काम करना जानते हैं. अच्छी स्क्रिप्ट आए, अच्छे डायरेक्टर ने नरेशन देते हैं, जब भा जाती है दिल को तो हम कर लेते हैं. देन इफ वेरी गुड इफ आई गेट अ गुड डायरेक्टर, बट न्यू इज ऑलवेज वेलकम बिकॉज टुमारो दे विल बी ऑल्सो ओल्ड. आई थिंक वेब सीरीज हैव ओपनड अ ह्यूज मार्केट, एक्टरों के लिए बहुत काम आ गया है. डेफिनेटली मुझे भी वेब सीरीज मैं करना चाहूँगी. अभी तक तो ऐसी कुछ बात हुई नहीं है, लेकिन जब भी आएगा आप लोगों को पता ही चलेगा. देखिए फिल्म के बारे में ये कहना चाहूँगा, फिल्म मैं बोलना चाहूँगा इसका जेनर इज़ सोशल ड्रामा, और बहुत अच्छी फिल्म बनाई है संदीप दादा ने. और आप धीरे धीरे ग्रेजुअली देखेंगे तो हर तरीके का फ्लेवर मिलेगा, चाहे ग्लैमर हो, चाहे फैमिली हो, चाहे रोमांस हो, चाहे थ्रिलर हो, चाहे एक्शन हो, एवरीथिंग विल गेट टू नो इन दिस फिल्म. फिल्म बहुत ही अच्छी है, जैसे कि सुबेर ने आपको सब कुछ बता ही दिया है फिल्म के बारे में, पर फिल्म बहुत बांधने वाली है, ऑडियंस कभी बोर नहीं. इट्स अ ग्रिपिंग फिल्म, या ग्रिपिंग. आप देखेंगे तो आपको लगेगा अच्छा ये हो रहा है, अच्छा ये हो रहा है, मतलब यू विल बी वेरी एक्साइटेड थ्रू आउट द फिल्म. एंड मेरा कैरेक्टर सिमरन का है, जो कि एक छोटे शहर से आती है लड़की, बड़े शहर में आती है अपने सपनों को पूरा करने के लिए आई है. इस दौरान उसकी मुलाकात जुबैर के कैरेक्टर रोहन से होती है और बस फिल्म चलती है. कुछ स्टोरीज में बहुत ट्विस्ट है इंटरवल के बाद में, तो आप लोग फिल्म देखेंगे तो समझ में आएगा. एक बार एटलीस्ट देखेंगे तो समझ में आएगा. एक्सपीरियंस तो बहुत ही अच्छा था, बहुत अच्छा है. जैसे मैं अभी लास्ट इंटरव्यूज में भी बताया, इन्होंने स्विमिंग सीखी, मार्शल आर्ट सीखा, पहली बार फाइटिंग करी, तो आई थिंक कोई एक्टर एग्जैक्टली कोई एक्टर इतनी मेहनत के साथ में काम करता है तो अच्छा लगता है देख के. और कहीं ना कहीं हमें फील होता है कि यार कहीं ना कहीं अगर आप अच्छे से काम कर रहे हो तो प्रोडक्ट अच्छा बनेगा, और अच्छा बनेगा तो ऑडियंस को अच्छा लगेगा. जी मैं फिल्म कर चुका हूँ, लेकर दीवाना दिल, द ड्रीम जॉब, फिर सौदा भी की थी मैंने, फिर अभी दो साल मैं कसम तेरे प्यार की बालाजी का कर रहा था. अभी रिसेंटली आई हैव सन टू फिल्म्स, जिसमें से करंटली शूटिंग गोइंग ऑन इज वन ऑफ द डायना खान के अपोजिट, ब्लैकिश का. और अभी आज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसका दोस्ती के साइड इफेक्ट्स हैं, जिसमें सपना चौधरी है मेरे अपोजिट में. और बाकी दो और फिल्में हैं, एक विद मुग्धा ओनली एंड विद कंगना शर्मा. सो आई होप सो एवरीथिंग विल गो फाइन, और मुझे इंशाल्लाह और काम मिले और आप लोगों की उम्मीदों पे ज़्यादा खरा उतर चला. थैंक यू सो मच. सबसे पहले थैंक यू सो मच, आपने मुबारकबाद दी, थैंक्स अ लॉट. ये जो फिल्म है पागल कर दिया तूने, इट्स वॉज अ ग्रेट फिल्म, ग्रेट स्टोरी, सस्पेंस, थ्रिलर, रोमांस, मर्डर मिस्ट्री, सब कुछ इसके अंदर है. और रही मेरे किरदार की बात, तो किरदार जो मेरा शशि का है, और अपोजिट टू मुग्धा गौड़ से उनका बॉयफ्रेंड बना हूँ मैं. शशि जो है वो एक फ़नी गाय है, एक मतलब जब भी आता है कुछ फ़नी करके जाता है, मतलब इसके बिना आप जब फिल्म देखोगे तो मज़ा आएगा आपको. और जो इसमें सबसे प्यारा जो सॉन्ग है, बहुत ही रोमांटिक, बहुत ही मेलोडी सॉन्ग है, मुग्धा जी के साथ सॉन्ग है मेरा, वो बहुत प्यारा सॉन्ग है, आप देखिएगा. और स्टोरी बहुत अच्छी है, सस्पेंस है, थ्रिलर है, बहुत अच्छा है. फिल्म बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी फिल्म है और मस्ट वॉच फिल्म है. फिल्म के अंदर आपको सब कुछ मिलेगा, एक्शन, कॉमेडी, ड्रामा, सस्पेंस, एवरीथिंग, रोमांस तो बहुत है फिल्म में, मतलब आपको मज़ा आएगा फिल्म देख के. और बहुत ही एंटरटेनिंग फिल्म है ये, और आपकी नज़र नहीं हट पाएगी फिल्म, तो एंड तक देखे नहीं. दैट्स इट, बहुत बढ़िया फिल्म है. जो इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं, और मैं ये कहना चाहूँगा मुग्धा इसमें है, तो मुग्धा को आपने इतना प्यार दिया है, उसकी इतनी फिल्में हिट गई हैं, तो एक बार इस फिल्म को देखिए और इंशाल्लाह आपकी फिल्म बहुत पसंद आएगी. ज़बरदस्त, ये बहुत अच्छी मूवी जाएगी क्योंकि ये बहुत अच्छी है. क्या उस
मोस्टली वही था कि आपको सब चीज़ों पे बिलीव करना चाहिए जो होता है, ये नहीं कि हाँ 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 नहीं होगा नहीं होगा, वैसा कभी नहीं करना चाहिए। मैंने मॉम की थी, श्रीदेवी की बेटी, मतलब बेटी बनी थी उनकी उसकी, और मैं छोटी बेटी बनी थी उनकी। और मैंने अभी मैंने हसीना पारकर की थी, श्रद्धा कपूर की बेटी बनी थी, वो भी रिलीज़ हो चुकी है। और अब मेरी रिलीज़ होने वाली है खामोशी, मैं तमन्ना भाटिया का चाइल्ड हुड प्ले कर रही हूँ, और मर्द को दर्द नहीं होता मैं भाग्यश्री की बेटी के साथ कर रही हूँ, राधिका मदान का चाइल्ड हुड प्ले कर रही हूँ उसके अंदर। और मेरी मतलब मैंने तमिल वेब सीरीज की है ईशा कोप्पिकर के साथ, और अभी मैं कर रही हूँ योराय विक्की कौशल और यामिनी गौतम के साथ। और भारत मेरा अपकमिंग प्रोजेक्ट है सलमान खान और दिशा पाटनी के साथ, मैं दिशा पाटनी का चाइल्ड हुड प्ले कर रही हूँ। सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस अच्छा लगा था श्रीदेवी जी के साथ, क्योंकि एक बार ही ना माइक दादा ने मेरे माइक स्किन पे चिपका दिया था, तो मेरे को इच हो रहा था, तो उन्होंने पूछा अरे क्या हो रहा है, तो उन्होंने देखा अरे आपने स्किन पे माइक क्यों चिपकाया, तो मैंने बोला कि माइक दादा ने चिपकाया, तो फिर उन्होंने फटाफट माइक दादा को बुलवाया और वो उतारा, और माइक दादा को डांटा कि आज के बाद रीवा को कभी भी स्किन पे ना लगाना और किसी भी बच्चे को मत लगाना।